نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। इकबाल फरमाते हैं कि कब्र की मिट्टी मुट्ठी में उठाकर सोचता हूँ अक्सर। इकबाल, कब्र की मिट्टी मुट्ठी में उठाकर सोचता हूँ अक्सर इकबाल, कि जब इंसान मरता है गुरूर कहाँ जाता है। तो दोस्तों, आज आले तशी के बहुत बड़े आलम दीन, ज़ाहिर है कि आले तशी के लिए बहुत सारी खिदमात थी उनकी। अलामा ज़मीर अख्तर नकवी, जो कि इस दार फ़ानी को छोड़ चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। तो देखिए, जब हम किसी की मौत की खबर सुनते हैं ना, तो हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि दुनिया वालों, ये जहान फ़ानी है, जो आया उसने एक ना एक दिन जाना है। अगर अच्छे अमाल करेगा तो उसका समर अच्छा होगा, उसकी आखिरत अच्छी होगी। अगर बुरे अमाल करेगा उसकी आखिरत बुरी होगी। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया कि वजह सकरतुल मौत बिलहक, के मौत की सख्ती जो है वह बरहक है। और यह भी फरमाया वला हुम अजाबुन अजीम, कि मेरा अजाब बहुत बड़ा है, बहुत दर्दनाक अजाब है। दुनिया में इंसान को कांटा चुभ जाए या कि इंसान को कोई भी तकलीफ हो, तो इंसान उसको किस तरह बर्दाश्त करता है। तो आखिरत की तकलीफ तो फिर उससे कहीं ज़्यादा है ना। तो अर्ज करने का मकसद ये था, मैसेज देने का मकसद ये था, खुदा के लिए अपने आप को संवारो, अपने आप को गलत कामों से बचाओ, अपने आप को खुदा और खुदा के हबीब की तरफ लेकर आओ, जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा की जानिब लेकर आओ, ताकि हम अपनी दुनिया व आखिरत संवार सकें। अलामा ज़मीर इस दार फ़ानी से इंतकाल कर गया, कितना पैसा, कितनी जायदाद, क्या लेकर गया है? खाली खाली गया है ना, उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे। जब सिकंदर इस दुनिया से चला तो दोनों हाथ खाली थे, उनका इंतकाल हो चुका है। तो ये वो कहते हैं ना कि सज्जन मरे और दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना, दीगर ते दिन होया मोहम्मद ओडक नो डुब जाना। ये सब ने एक ना एक दिन अपने खाल के हकीकी के बारगाह में जाना है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को, तमाम को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक।